बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप रेवाड़ी पहुंचे और यहां पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और तमाम तरह की अपील करने पहुंचे थे कि संविधान खतरे में नहीं। वहीं कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का प्रचार लगातार, क्योंकि जिस तरह से इतनी वर्षों के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनाए, कहीं ना कहीं लोगों को भी इसके बारे में सोचना है। वहीं दूसरी बात कर ले कि जिस तरह से लगातार लोग संविधान खतरे में, कांग्रेस की ओर से इस तरह से नैरेटिव सेट किया गया, आखिर उसको लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एसटी समाज से आते हैं तो वो किस तरह से सोचते हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर पहले तो हरियाणा में आपका स्वागत है, किस तरह से देखते हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, 60 से 55 साल शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी का ऐसी दुर्दशा हो गया है, उनकी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी चुनाव मैदान से भागना पड़ा, राहुल गांधी को अपना बाप दादा कुरुक्षेत्र छोड़ के भागना पड़ा, इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसे नैरेटिव फैला करके दुष्प्रचार की है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार जब तक रहेगा आरक्षण खत्म नहीं होगा, जबकि कांग्रेस पार्टी के इस देश के पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्र लिखा था ST SC वर्गों के लिए, क्योंकि संविधान में हमको बाबा साहब ने अनुच्छेद 365 के अंतर्गत हमें जो आरक्षण दिया था SC वर्ग के लिए 300, अनुच्छेद 341 और ST के लिए 342, और उसमें शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से उत्थान करने के लिए हमको आरक्षण मिला था, लेकिन उसके साथ साथ हमारी नौकरी पैसे में अन्य शासकीय क्षेत्र में भी हमको आरक्षण दिया गया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने जो पत्र लिखा था कि ST SC वर्ग के लोगों के लिए शैक्षणिक और सामाजिक स्तर सुधारने के लिए तो आरक्षण होना चाहिए, लेकिन नौकरी पैसे में अगर ये लोग आएंगे देश का अपमान होगा, ये जवाहरलाल नेहरू का पत्र है। लेकिन किसी ने कहीं नाराजगी देखी है? देखो नैरेटिव किसी ने भी, लेकिन नाराजगी है, क्या कोई नाराजगी दूर हो पाई, क्योंकि लगातार आप भी हरियाणा में घूम रहे, गुरुग्राम लोकसभा में भी घूमे, रोहतक लोकसभा में घूमे, क्या कुछ नाराजगी कम हो पाई है? देखिए नाराजगी इसलिए कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारे लोगों को, क्योंकि हम हमारे ST SC वर्ग के लोग ऐसे भी तिरस्कार कर कुछ लोगों ने रखा, खासकर सत्ताधारियों ने, तो जिसके चलते अभी अब जैसे ST वर्ग का और ST का वकालत करते हैं, उनको मैं कांग्रेस के लोगों को पूछता हूँ, क्या ST और SC वर्ग के लिए जो काम काज संचालित होने वाला जो विभाग था शासन की ओर से, कांग्रेस के लोगों ने 60 साल तक पशु विभाग वेटनरी विभाग के साथ जोड़ के रखा, क्या कांग्रेस के लोग हमको पशु समझते हैं, उनके नज़र में हम पशु दिखते हैं? जबकि भारतीय जनता पार्टी के सदैव अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में, आज से 25 वर्ष पूर्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे लिए अनुसूचित जनजाति मंत्रालय बना के दिया, ये 60 साल राज शासन करने वाले कांग्रेस ने नहीं दिया। इसलिए अगर कोई आदिवासी ST SC वर्ग के लिए कोई सोचता है तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे पार्टी ने हमारे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को दलित समाज से राष्ट्रपति बना दिया, हमारे आदिवासी समाज से महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी को बना दिया, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। और हमारे लिए जनजाति गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस बनाने के लिए संविधान में प्रावधान लाया, ये भारतीय जनता पार्टी की। नैरेटिव घड़ने की जरूरत क्या आन पड़ी थी कि पूरा नैरेटिव घड़ा गया, और कहीं ना कहीं क्या जरूरत आन पड़ी थी कांग्रेस को इसकी? देखिए वही बोला मैं कि कांग्रेस का ऐसा दुर्दशा हो गया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने रायबरेली सीट छोड़कर राज्यसभा में भाग गई, राहुल गांधी अपने बाप दादा परदादा का सीट अमेठी छोड़कर वायनाड भाग गया, और वहां जो तथाकथित संगठन है, जिस संगठन के दम पे वहाँ चुनाव जीतने की ले गए थे, अभी बीच में पता उसके उनके रैली में झंडा देखा गया कि एक आतंकवादी संगठन, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का, तो इसलिए वहाँ भी अब उनको ठेंगा दिखाया गया, इसलिए फिर से वापस रायबरेली आना पड़ा। लेकिन इस देश के जनता अच्छे से समझ चुके हैं कि गांधी परिवार का मुकुटा ओढ़ के नेतागिरी करने से चलने वाला नहीं है, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी विचारधाराओं पर चलने वाली पार्टी है, आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी है, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसा गांव गरीब किसान का बेटा को भी भारत का लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है। सेकंड लास्ट फेज 25 मई को ना हरियाणा में भी शामिल है, उसमें क्या कितनी आप अनुमान करते हैं सीट आएगी, क्योंकि जो विपक्ष है उसकी ओर से कह रहा है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मोदी जी ने अब की बार 400 पार का नारा लगा दिया है, और हम शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी 370, क्योंकि हमारे जो भारतीय जनता
पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने धारा 370 पैदी से खत्म किया, इसलिए हम 370 के साथ चुनाव जीतेंगे पूर्ण बहुमत के साथ, और आगे आने वाला समय में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, हमारा संकल्प। एक मोदी की राम राम की बात करते कि मैं छत्तीसगढ़ से मोदी की राम राम यहाँ के जो सैनिक है, पूर्व सैनिक है, उनके लिए लेकर पहुंचे थे, कितनी राम राम दे पाए आप? जी हमारे मोदी जी ने सब देश के सभी नागरिकों को जहाँ भी जाते राम राम दे रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा विशाल देश है, 1 अरब 40 करोड़ का देश, इसलिए सब जगह नहीं पहुँचते, इसलिए हमको उन्होंने कहा है कि आप जहाँ भी जाएंगे सैनिकों के परिवार है, दलित आदिवासी परिवार, उनको मेरे तरफ से राम राम करेंगे, हम भी राम राम करके घूम रहे हैं। देखिए हमारे साथ थे महेश कश्यप, उन्होंने तमाम संविधान से लेकर तमाम मसलों पर अपनी बात रखी और बताया कि इस बार तमाम जो कांग्रेस की ओर से दावे कर ले, लेकिन 400 पार जो मोदी ने नारा दिया है उसको पार करने भाजपा जा रही है, और इसकी बार 400 पार के नारे के साथ ही केंद्र में जो भाजपा सरकार बनाएगी।